तो ये है आपका पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टीन जो आपका क्लास वर्क है आप क्लास वर्क में आपने करना है क्लास वर्क में आपके पास लेंथ दी हुई इट इज़ अ सिंपल टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू लेंथ्स ईच एक्सप्रेसड इन मिलीमीटर मीटर एंड सेंटीमीटर लुक एट द स्नैक्स ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड ट्वेल्व व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दिया लेंथ हाउ मच लॉन्गर इज स्नैक वन देन सेकेंड स्नैक वन देन स्नैक टू फर्स्ट वी वर्क इन द सेंटीमीटर कॉलम अब हम क्या करेंगे जो आपके पास पहले कॉलम में आपको बताया गया था स्नैक वन एंड स्नैक टू उसकी आपके पास है ना लेंथ वगैरह सारी दी हुई थी तो उसी लेंथ को हमने पहले किया था प्लस इसके बाद आज हम करेंगे माइनस तो माइनस किस तरीके से करना है माइनस इसे करना है पहले हम सेंटीमीटर को माइनस करेंगे देन वी वर्क टू मिलीमीटर मीटर सॉरी मिलीमीटर नहीं मीटर मिलीमीटर मीटर इज अ वेरी स्मॉल थिंग्स वो सेंटीमीटर से भी ज़्यादा छोटा होता है मिलीमीटर के बारे में भी आपको समझाऊंगी जो सेंटीमीटर से भी ज़्यादा छोटा होता है मीटर इज बिगर देन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर इज बिगर देन मिलीमीटर ठीक है अब इसके बाद द डिफरेंस एज़ जीरो मीटर फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर और फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर अब आप इसको फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर भी कह सकते हैं क्योंकि आपके पास वन माइनस वन इजकअल टू जीरो ये तो जीरो रहेगी अब मीटर आपके पास कुछ है नहीं तो आप फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर भी आंसर इसका कवर कर सकते हैं ये आप आंसर भी कह सकते हैं अब इसके बाद हम आते हैं अपने कॉपी वर्क की तरफ ये आपका बुक वर्क है अपने नाइन के नाइन क्वेश्चंस अपने बुक में करने हैं और इसके बाद क्या करना है अपने नाइन क्वेश्चन अपने बुक में कर लेने हैं ये सारे आपके नाइन क्वेश्चन हैं ये माइनस के सम्स हैं माइनस आपको पता है किस तरीके हो से होगा राइट हैंड से आपने करना है और राइट हैंड से जब आप करेंगे तो राइट हैंड के जरिए आपने किस तरीके से करना है नाइन माइनस वन इक्ल्स एट टू माइनस टू इक्वल्स ज़ीरो and then we going to meter five minus फोर uh, minus थ्री equals to वन then your answer is वन meter and नाइन सेंटीमीटर because जीरो zero नाइन इट्स it's नाव इट्स टर्न टू अवर क्लास वर्क वी आर गोइंग टू in our copy now कॉपी अब आपने क्या करना है अब आपने ये करना है कि अब आपने यहाँ पर आना है लेंस ड्रॉ करनी है बहुत ही सफाई से नीट एंड क्लीन लेंस ऑन लाइन होनी चाहिए हैश सिक्सटी लिखना है डे डेट आपने बहुत अच्छे तरीके से लगानी है सब्ट्रैक्शन यह का टॉपिक है ठीक है अच्छे तरीके से लगानी है सब्ट्रैक्शन यह का टॉपिक है ठीक है इसके बाद आपने सवाल लिखना है सबट्रैक्ट द फॉलोविंग पहले हमने एट द फॉलोविंग लिखा था अब है सब्ट्रैक्ट द फॉलोविंग अब आपने क्या करना है यहीं पर ही माइनस करना है पहला राइट हैंड से हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से जब स्टार्ट किया तो नाइन माइनस वन इक्वल्स टू एट देन सेंटीमीटर हम यहाँ लिखेंगे टू माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो इसके बाद क्या करेंगे जब हमें सेंटीमीटर सॉल्व हो जाएगा तो हम मीटर की तरफ आएंगे फोर माइनस थ्री इक्स टू वन ये क्या है मीटर तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया अब इसके बाद यहाँ आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ सेकंड क्वेश्चन है नाइन माइनस एट इक्व टू वन सेवन माइनस सिक्स इक्ल्स टू वन सेंटीमीटर देन वी गोइंग टू मीटर ज़ीरो माइनस सेवन तो हम क्या करेंगे बराबर से उधार लेंगे वन को काटा वन हमने यहाँ इसको दे दिया गया टेन यहाँ इसके पास रहेगा जीरो टेन में से सेवन माइनस हुए थ्री मीटर ये आपके पास ये आपका आंसर अब इसके बाद आपने इस सवाल को खुद ही सॉल्व करना है आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया क्योंकि माइनस एंड प्लस आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है प्लस इट्स अ वेरी इजी एंड माइनस वेरी इजी आप को माइनस और प्लस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि माइनस और प्लस आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करते आए हो माइनस और प्लस वेरी इजी क्वेश्चंस इसमें भी आपको माइनस करना है लेकिन खास ख्याल ये रखना है कि पहले सेंटीमीटर देन मीटर हमेशा राइट right हैंड से स्टार्ट करना है अपने सम को और वैल्यूज़ एग्जैक्ट जिस तरह से लिखी जाती है वैसे ही लिखनी है वैल्यूज़ के नीचे ही वैल्यूज़ आनी चाहिए जैसे टेंस हंड्रेड आपको मैंने प्लेस वैल्यूज़ बताई थी हंड्रेड टेंस वंस आपने उसको ही नोट करके अपने वैल्यूज़ को पुट करना है वैल्यूज़ हमेशा राइट हैंड से पुट होती है. राइट हैं राइट हैंड से ही हमेशा आपका मैथ का सम सॉल्व होगा और हाई आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से एक काम समझ आ चुका होगा सो so, आपने अपना काम बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ करना है अपना बुक वर्क भी और कॉपी वर्क भी अल्लाह हाफिज़